नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भवानीखेड़ा के एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई के घर में घुसकर दनादन गोलियां चला दी। शमशेर उर्फ सोनू नामक युवक ने अपने चचेरे भाई चंद्रपाल पर एक के बाद एक 10-12 गोलियां दाग दी, जिसमें से 3-4 गोलियां 52 वर्षीय चंद्रपाल के सिर में लगी। गोलियां लगते ही चंद्रपाल जमीन पर गिर गया। आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल हुए चंद्रपाल को उपचार के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक चंद्रपाल रिटायर्ड फौजी था। मामले की जांच कर रहे भिवानीखेड़ा थाना के SI रविंद्र कुमार ने बताया कि सोनू ने अपने चचेरे भाई के घर में घुसकर कई फायर किए, जिसमें से 3-4 गोलियां चंद्रपाल के सिर में लगी और उसकी मौत हो गई। SI ने बताया कि सोनू ने जमीनी विवाद के चलते अपने ताऊ के लड़के चंद्रपाल को मौत के घाट उतारा था। उन्होंने बताया कि मृतक चंद्रपाल फौज से रिटायर्ड होकर फिलहाल गुजरात में काम करता था। बताया जाता है कि पुलिस ने मौके से 10 के करीब खोल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। और इसी के साथ देखते रहिए पलपल की खास रिपोर्ट। आज सुबह करीब 9 बजे थाने में इतला मिली थी कि बिरवाद गांव में गोली चल रही है। जो मौके पर पहुंचे तो शमशेर उर्फ सोनू सुरम होशियार सिंह ने अपने ताऊ के लड़के चंद्रपाल पर गोली चला दी, और जिसको अभी रोहत गांव से सिविल हॉस्पिटल भिवानी ले आए हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है। और अब इसके बयान लेकर उसकी आगम कार्रवाई की जा रही है। गोली उसके सिर में लगी है, 2 या 3 गोलियां सभी मालूम हुई हैं, गोली लगी हुई है उसकी। बयान अभी ले जा रहे हैं उसके गाँव मौके पर। मृतक फौज से रिटायर होकर गुजरात में दोबारा लगा हुआ था, जो 2 दिन के लिए अब घर पर आया हुआ था। कारण तो अभी कोई जमीनी विवाद हो सकता है, वो तो पता कर रहे हैं उसके बारे में। घर में घुसी गोली मारी उसके कमरे में, सिर में गोली लगी है, कान के पास।